वड्डी वारदात। मोगा च जानों मारन की धमकियां देने मगरों गोलियां नाल भुन्निया नौजवान। पंजाब विच कतल अपराध नाल जुड़ियां घटनावां वध रहियां ने। अज ताज़ा मामला मोगा तो सामने आया जिथे दो गुटां की आपसी लड़ाई दौरान गोलियां चलण की खबर सामने आई है। इस वारदात दौरान एक जख्मी होया जबकि एक की मौत हो गई है। दरअसल एक जख्मी मोगा के सिविल हस्पताल विच दाखिल करवाया गया और दूजे नूं निजी हस्पताल लिजांदा गया। मौके उत्ते पुलिस जांच विच जुटी हुई है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। फिलहाल कारणों का अजे तक पता नहीं चल सकिया। एक धिर के विकास जिंदल की मौत हो गई है जबकि दूजी धिर के वीर सिंह उर्फ मिठू नूं स्थानक सरकारी हस्पताल विच जेरे इलाज है। प्राप्त जानकारी अनुसार दिवाली का माहौल होने कारण रतन सिनेमा नेड़े एक थां ते जुआ खेडिया जा रहा है जिथे ये दोवां धिरां आमणो सामने हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने की गल कर रही है। मृतक के पिता जगदीश कुमार ने दस्सिया कि उसनू उसके भरा और भतीजे को पिछले एक साल तो जानों मारन दी धमकियां मिल रही सी जिस कारण कुछ लोगों ने उसके लड़के और भतीजे ते गोलियां चला दित्तियां और उसके लड़के विकास जिंदल उर्फ वीरू की इलाज दौरान मौत हो गई। इस दौरान दूजी धिर के जख्मी वीर सिंह उर्फ मिठू ने दस्सिया कि रतन सिनेमा नेड़े जुआ चल रहा है जिथे मृतक के पक्ष के लोगों ने उसते गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां और वह जख्मी होकर जमीन ते डिग पिया। जख्मी वीर सिंह अनुसार जदों विकास जिंदल अपने बंदूक लोड कर रहा है तो बैकफायर होने कारण एक गोली विकास जिंदल के ढिड में जा लगी जिस कारण उसकी मौत हो गई। इतने हस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मनिंदर सिंह ने घटना संबंधी जानकारी देंदे दस्सिया कि विकास जिंदल की गंभीर हालत को देखदिया उसनू रैफर कर दिता गया पर उसकी रस्ते में ही मौत हो गई और दूजी धिर के मिठू की लत में गोली लगी है और उसका इलाज किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे थाना सिटी साउथ के इंचार्ज इकबाल हुसैन ने पत्रकारों को जानकारी देंदे दस्सिया कि विकास जिंदल उर्फ वीरू की मौत दो धिरों विचाले हुए झगड़े कारण हुई है। मृतक और जख्मियों के बयान के आधार पर मामले की अगली कार्रवाई की जाएगी। सो इस ही अगली वड्डी खबर पर नज़र मारीे तो गुरदासपुर दिन दहाड़े गोलियां भुनिया नौजवान। गुरदासपुर के कस्बा फतेहगढ़ चूड़िया के भरे बाजार च दिन दहाड़े गोलियां चलिया। कुछ अणपछात्या वालों 21 साल गुरबीर सिंह एक तो बाद एक फायर किए गए। दसया जा रहा है कि गुरबीर सिंह के दो गोलियां लगिया हैं जो कि उसके पेट से लत च लगिया। गंभीर जख्मी हालत च गुरबीर सिंह हस्पताल लिजाया गया जिथे उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। हमलावर वारदात तो बाद फरार हो गए। पहली नज़र च मामला रंजित दसया जा रहा है। वारदात की सीसीटीवी भी सामने आई है। सीसीटीवी के चश्मदीदा मुताबक गुरबीर सिंह कस्बा फतेहगढ़ चूड़िया एक सैलून से आया सी। इस दौरान उसके कुछ अणपछाते लड़ाई झगड़ा हो गया तो वेखते ही वेखते मामला इन्ना गर्म हो गया कि अणपछाते हमलावर ने गुरबीर सिंह से फायर कर दिता। फिलहाल पुलिस वालों मामले की गंभीरता जांच की जा रही है तो मुलजमान की तलाश लई छापेमारी भी की जा रही है। सो ये जी इस समय दिन वड्डियां वारदातों की खबर। तो मिलते हैं किसी होर अपडेट के नाल। उदों तक जुड़े रहो चैनल PM News के नाल।